things out of that mist, lads, you will hold the line. Hold the line! This is a new kind of war. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो हिस्ट्री हमारे स्कूल टाइम पे हमें बोर करती थी, वही हिस्ट्री जब ग्रेट डायलॉग्स, करेक्टर्स और अमेजिंग विजुअल्स के साथ स्क्रीन पर चलती है तो वो काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग दिखाई देती है। हिस्टोरिकल मूवीज एक्शन और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन होती है और नेक्स्ट लेवल का एंटरटेनमेंट होती है। तो आज हम ऐसी ही ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें हिस्टोरिकल फिक्शन वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की झलक भी आपको नजर आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्टोरिकल मूवीज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स इन उर्दू, हाई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एक साथ एंजॉय करने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं सेंचुरियन। ये 2010 में आई एक हिस्टोरिकल वार एक्शन फिल्म है और ये रोमन एम्पायर की 9th रीजन के डिसअपीयरेंस पर बेस्ड है। इस फिल्म में दिखाई गई गोरिला वारफेयर बैटल्स गेम ऑफ थ्रोन्स की कुछ बैटल्स की तरह ही नजर आती है और फिल्म की हिस्टोरिकल सेटिंग इसे एक ऑथेंटिक फील देती है। फिल्म में हम देखते हैं कि रोमन सोल्जर्स के एक ग्रुप पर अचानक जब एक हार्ड और हिडन अटैक होता है, तब चाह कर भी वो पीछे नहीं हट पाते और अपनी जान बचाने के लिए इन्हें लड़ना पड़ता है। सिर्फ पावर और अटैक से इस बैटल को जीतना पॉसिबल नहीं, तो ऐसी टफ सिचुएशन को ये सोल्जर्स हैंडल कर पाएंगे या नहीं, ये फिल्म देखकर आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अ नाइट्स टेल। दोस्तों, ये एक एडवेंचर फिल्म है जो गेम ऑफ थ्रोन्स की ही तरह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको दिखाएगी। नाइट्स, स्वॉर्ड फाइट्स एंड मैजिक जैसी कई चीजें इस फिल्म में फीचर हुई हैं और हिस्टोरिकल एडवेंचर्स फील करवाए गए हैं। ग्रेट एक्टर हेथ लेजर की ये फिल्म एक प्लीजेंट स्टोरी हमें दिखाती है जो छुपकर किंगडम के टूर्नामेंट्स में कम्पीट करता है, जिसके साथ साथ कई हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के साथ इसकी दोस्ती होने लगती है। दोस्तों, ये पीजेंट इन टूर्नामेंट्स तक कैसे पहुंचता है, ये फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। लीड कैरेक्टर की एक कॉमन मैन से एक नाइट बनने तक की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किंग आर्थर लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड। ये 2017 में आई एक एपिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है और जेनरे वाइज ये गेम ऑफ थ्रोन्स से काफी सिमिलर है। ड्यूटी फैंस के लिए और हिस्टोरिकल मूवी लवर्स के लिए इस फिल्म में क्लासिक स्वॉर्ड फाइटिंग सीन्स, मेड्यूल मैजिक और बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स हैं। जब आर्थर एक्सट्रीमली पावरफुल स्वॉर्ड एक्सकैलिबर को पत्थर से खींच निकालता है, तब इसे अपनी रॉयल लाइनेज के बारे में पता चलता है और यहाँ से फिल्म का असल एडवेंचर शुरू हो जाता है। दोस्तों, किंग आर्थर से रिलेटेड और इनकी पावरफुल स्वॉर्ड से रिलेटेड आपने कई स्टोरीज सुनी होंगी और कई मूवीज भी देखी होंगी, लेकिन इस मॉडर्न हिस्टोरिकल मूवी में किंग आर्थर की इस स्टोरी को पावरफुल स्टार कास्ट और मॉडर्न विजुअल्स के साथ प्रेजेंट किया गया है, जिससे ये फिल्म थोड़ा यूनिक और ऑथेंटिक फील व्यूवर्स को देती है। फैंटेसी एक्शन और एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है और आपको ये एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं द किंग। ये 2019 में आई एक एपिक वार फिल्म है जो विलियम शेक्सपियर के कुछ हिस्टोरिकल प्लेस पर बेस्ड है। गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही थ्रोन्स के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वार इस फिल्म में भी दिखाई गई है। इंग्लैंड का किंग बनने के बाद यंग हेनरी फिफ्थ को वार, प्रेचरी और पॉलिटिक्स का सामना एक साथ करना पड़ता है। एक यंग और अनएक्सपीरियंस्ड किंग इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अपने इमोशंस को कैसे फेस करता है, ये फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। इंग्लैंड के थ्रोन के लिए हो रही पॉलिटिक्स और वार को आप नेटफ्लिक्स के जरिए हिंदी में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किंगडम ऑफ हेवन। ये 2005 में आई एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल मूवीज की तरह ये फिल्म सिर्फ वार सीक्वेंस पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, रिलीजियस एलिमेंट्स जैसे कई डीप एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करती है और इस तरह ये फिल्म
गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस को इसी के जैसा एक एटमॉस्फेयर और कॉम्प्लेक्सिटीज एंजॉय करने का मौका देती है। इस एपिक फिल्म की स्टोरी 12 सदी के टाइम में सेट है, जहां एक ब्लैक स्मिथ जेरुशलम जाता है और वहां की रिलीजियस वॉर्स के बीच वो एक ब्लैक स्मिथ से एक सेवियर और एक डिफेंडर बन जाता है। दोस्तों, ग्रेट डायरेक्टर स्कॉट की ये क्रिएशन ग्रेट स्टार कास्ट के साथ अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस और रिच हिस्टोरिकल प्लॉट आपके सामने रखने वाली है, और खास करके हम मुसलमानों के हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जेरुशलम की तरफ पेशकदमी और मस्जिद अक्सा को सलेबियों से आजाद करवाने की अनथक कोशिशों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है। तो इतना कुछ ऑफर करने वाली ये हिस्टोरिकल फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये फिल्म अनऑफिशियल सर्विसेज पर हिंदी में देखी जा सकती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि कौन सी फिल्म आपकी मोस्ट फेवरेट है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।